इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट मानी जाती है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने सबसे पहले जो है विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित किया था। तो उस समय जो है हमारा जो है ये परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसका आविष्कार नहीं हुआ था। तो इन्होंने जो है ये माना कि कंडक्टर में सिर्फ जो है एक धन आवेश होता है और उस धन आवेश की वजह से करंट फ्लो होती है। तो अगर करंट में धन आवेश होता है तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये धन वाले को अपने से दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा और ऋण वाला अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है तो ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन किधर से होगा, ये दूर भगा रहा है ये अपनी ओर खींच रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गई। ठीक है, ए से बी की तरफ जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि जो परिपथ में करंट फ्लो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। तो सारे जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट थे या बैटरियाँ थी उसमें यही मार्क कर दिया गया कि बैटरी जो करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जे थॉमसन, इन्होंने खोज की किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज की और कहा कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे और करंट जो है कंडक्टर में इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है तो देखिए तब तो ये बैटरी अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो होती है तो ये कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज है तो बैटरी का जो है नेगेटिव पोलरिटी सेम एक दूसरे को दूर भगाते हैं, नेगेटिव पोलरिटी नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से दूर भगाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव वाला अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो करंट की डायरेक्शन किधर से हो गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गई। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी बी से ए की तरफ हो गई। यानी कि जे थॉमसन ने कहा कि जो है हमेशा नेगेटिव पोलरिटी से पॉजिटिव पोलरिटी की ओर करंट बहता है। ठीक है, मतलब कि कम पोटेंशियल वाले से अधिक पोटेंशियल वाले की ओर फ्लो होती है। बल्कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि हमेशा अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। तो अब क्या हुआ कि सब जहां तो ये मार्क कर दिया गया था तो इसको एज इट इज ऐसा ही छोड़ दिया गया। बस मान ये लिया गया कि जब हम करंट कैलकुलेट करेंगे तो जब ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा निकाल लेंगे और मान लेंगे कि करंट जो है उसके विपरीत दिशा में बहता है, क्योंकि मान में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा जो कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, बाकी का मेथड वही है। हम पहले इलेक्ट्रॉन के करंट की दिशा निकाल लेते हैं फिर मानते हैं कि धारा जो है उसकी विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है।